इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हम इंस्टाग्राम पर मोबाइल नंबर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो जैसे हम यहाँ पे कन्फर्मेशन कोड मंगवाते हैं तो हमें कन्फर्मेशन कोड नहीं आती है, तो कैसे आप इसको ठीक करोगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे हम इंस्टाग्राम पर कन्फर्मेशन कोड मांगते हैं, मोबाइल नंबर हमें चेंज करने हैं, कन्फर्मेशन कोड नहीं आ रहा है, तो जो प्रोसेस है क्या है, किस तरीके से आप इसको ठीक करोगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कन्फर्मेशन कोड ना आने के क्या क्या रीज़न है वो सबसे पहले समझना है। अगर आपने नया अकाउंट खोला है इंस्टाग्राम का, अकाउंट खोले हुए 10-12 दिन ही हुए या फिर 15 दिन से कम टाइम हुआ है, तो उस केस में आपको कन्फर्मेशन कोड नहीं मिलती है और यहाँ से आप मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं कर पाओगे। 15 दिनों के बाद यानी 2 हफ्तों बाद यहाँ से आप जो है अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर पाते हो। बाकी दूसरे केस में आपको यहाँ पे बैक चले जाना है और यहाँ से आपने जो भी न्यू कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो मोबाइल नंबर आपने ऐड की है, जो उस मोबाइल नंबर को यहाँ से आपने सही तरीके से ऐड किया है वो देखना है, मोबाइल नंबर आपने सही डाली है। उसके अलावा यहाँ पे आपने कंट्री कोड अपना खुद का लगाया है, अगर आप कोई दूसरा कंट्री का मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वो कंट्री कोड यहाँ से आपको सही तरीके से लगा देना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर यहाँ से लगा देनी है और वापस इसकी टिक के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी ओटीपी नहीं आ रही है, तो एक बार अपना मैसेज बॉक्स खोल के देखिए। कभी कभी जब तक मैसेज बॉक्स ओपन ना करे तब तक हमें स्क्रीन पर मैसेज नहीं आता है, तो इसको ओपन करके ट्राई कीजिए। अगर फिर भी इशू है, अगर फिर भी ओटीपी नहीं आ रही है, तो प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम सर्च करना है और इंस्टाग्राम यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको अपडेट कर लेना है। यहाँ पे अपडेट लिखा है, इस अपडेट वाले बटन पर क्लिक करके इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लीजिए। जैसे इंस्टाग्राम अपडेट हो जाएगी आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।